एपिसोड के स्टार्ट में च्यून सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर च्यून सेक्टर और जी फैमिली के बीच में फाइट चल रही है, जिसमें जी फैमिली वालों ने च्यून सेक्टर के काफी सारे डिसिपल्स को मार दिया है। जबकि जो जी फैमिली के लीडर होते हैं उनके सामने च्यून क्लैन के पैट्रिया झुक चुके होते हैं और वो कहने लगते हैं हमें आप प्लीज बख्श दीजिए। लेकिन उनकी ऐसी बात सुनकर जो उनका एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम लिन होता है, वो बिल्कुल भी इसके लिए नहीं मानता और इस जगह पर अपने मास्टर से कहने लगता है मास्टर हमें अपने एंड टाइम तक फाइट करनी चाहिए, हम अभी भी इतने ज्यादा केपेबल है कि इन लोगों के साथ फाइट कर सके, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा इन लोगों को हराने में। जबकि जो च्यून क्लैन के लीडर होते हैं वो कहने लगते हैं तुम इस जगह पर बेवकूफी कर रहे हो, इस जगह पर मैं बिल्कुल भी अपनी जान नहीं देना चाहता, अगर तुम्हें अपनी जान देनी है तो तुम इस जगह पर दे सकते हो। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद इस जगह पर लिन भी हैरान होता है और कहने लगता है मास्टर आखिरकार आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं तुम इस जगह पर एक बेवकूफ हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हम लोगों को समझ में आ चुका है हम जी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम उनके अगेंस्ट फाइट नहीं जीत सकते, इसीलिए हम इस जगह पर हार मान चुके हैं। लिन ये बात सुनकर हैरान होता है, जबकि सेटर पैट्रिया तुरंत ही कहने लगते हैं मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूं इस लड़के के बारे में, इसके अंदर हेवन के 5 कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, अगर आप उन पावर को किसी और बंदे की बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो उसकी कल्टीवेशन और पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। जी फैमिली के पैट्रियाच ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहने लगते हैं 5 हेवन लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर मैंने उन सभी को अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया तो उसके बाद मेरी कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो जाऊंगा। और यहां पर ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं शायद से तुम्हारा जो च्यून क्लैन है तुम्हारा च्यून सेक्टर अब कुछ टाइम तक और जिंदा रह पाएगा क्योंकि तुमने इस जगह पर जो चीज मुझे ऑफर की है वो चीज काफी ज्यादा प्रीसियस है। ये बात सुनने के बाद लिन भी हैरान होता है कि उसके ही सेक्टर पैट्रियाच उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी तलवार को वापस से उठा लेता है और कहने लगता है मैं देखना चाहता हूं आखिरकार तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाते हो, मैं यहां पर बिल्कुल भी तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन इसी के साथ ही उसके हार्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और तुरंत ही उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वो यहां पर ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहां पर अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैंने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर को लूज कर दिया है, ये सब कुछ क्या है। लेकिन यहां पर इसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो जी फैमिली के पैट्रियाच होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हारे पास भले ही कितनी पावर हो लेकिन तुम्हारा जो हार्ट है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हुई है। इसी के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस जगह पर लिन के ऊपर हंस रही होती है और कहने लगती है अब तुम इस जगह पर सफर करना बंद करो क्योंकि तुम मरने वाले हो। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये इस जगह पर जो च्यून सेक्टर के पैट्रियाच है उनकी बेटी है और इसने ये सारी चीजें करी है, इसने इस जगह पर लिन को पॉइजन दिया है, जिस वजह से लिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है मैं तो तुम्हें इस जगह पर पसंद करता था लेकिन तुमने इस जगह पर मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो लड़की इस जगह पर कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है इस जगह पर तुम जिंदा बच पाओगे, इन सब चीजों के बाद तुम इस जगह पर जिंदा नहीं बचने वाले, इसीलिए बदला लेने के बारे में तो छोड़ ही दो। इसी के साथ ही और ज्यादा ब्लड उसके मुंह से निकलने लगता है। हमें इस जगह पर हेवन की थंडर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर निकलने लगते हैं, जबकि तुरंत ही जी फैमिली के पैट्रियाच कहते हैं अब इस जगह पर मुझे अपने काम को करने दो, इसकी बॉडी के अंदर जो 5 हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन है उनको मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालना है, जिसके बाद मैं उन पांचों के पांचों कॉन्स्टिट्यूशन को इस जगह पर अपने बेटे की बॉडी के अंदर डालूंगा। और इस जगह पर अब वो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर से उन 5 होली कॉन्स्टिट्यूशन को निकालने लगता है ताकि वो अपने पांचों बेटों के अंदर एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को डाल सके। इसी के साथ ही वो सारे के सारे को निकालने लगता है, ऐसे ही करते करते उसके बॉडी के अंदर से 3 कॉन्स्टिट्यूशन बाहर आ जाते हैं। ये देखने के बाद तो इस जगह पर वो बंदा हैरान हो जाता है, जी फैमिली का पैट्रियाच जो कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी बंदे के पास इस तरीके के हेवन लेवल के 5 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। इसी के साथ ही 2 और कॉन्स्टिट्यूशन भी बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ही वो खुश होते हुए कहने लगता है ये मेरे बेटों की कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे है, इन सभी चीजों को जब मैं उनकी बॉडी के अंदर डाल दूंगा उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, और काफी ज्यादा खुश होता है और इस जगह पर लिन से कहने लगता है इस जगह पर अब मैं जा रहा हूं लेकिन अब यहां पर जो तुम्हारा च्यून सेक्टर है वही तुम्हारा फैसला करेगा आखिरकार वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और इसी के साथ ही वो खुश होते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब हमें इस जगह से चलना चाहिए। लेकिन वो च्यून सेक्टर के पैट्रियाच से कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरा छोटा बेटा है उसकी शादी मैं तुम्हारी बेटी से करवाना चाहता हूं, जल्द ही तुम्हारी इस बेटी के साथ मेरे छोटे बेटे की शादी होगी। और यहां पर जो च्यून सेक्टर के लीडर होते हैं वो इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम यहां पर आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। जिसके साथ ही जी फैमिली के सारे लोग इस जगह से चले जाते हैं, जबकि हम देखते हैं ऊपर की तरफ देखते हुए लिन को, लिन कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा था कभी मेरे साथ भी इस तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन वो तभी इस जगह पर कहने लगता है अपने पैट्रियाच से ओल्ड मैन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने मुझे अभी जिंदा छोड़ दिया मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यहां पर जो पैट्रियाच होते हैं वो कहने लगते हैं तुम शायद से इस जगह पर एक गलत फहमी में हो कि मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ने वाला हूं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब वैसे
तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन की पावर तो रही नहीं जो तुम मेरे से बदला ले पाओ, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ इसी जगह पर। और ये कहने के साथ ही वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है अब इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो तुरंत ही लाते मारने लगते हैं लिन के ऊपर और लिन की बॉडी को और भी ज्यादा डैमेज करने लगते हैं, जिस वजह से उसके जितने भी डेंटियंस होते हैं वो भी इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और उसके मेलिडियन पॉइंट्स भी और वेन भी इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर जो पैट्रियाज होते हैं वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं, इस जगह पर अगर तुम भी इसे कोई सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो। जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो हंस रहे होते हैं लिन के ऊपर, जबकि ये इनके सेक्टर का सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था एक टाइम पर। लेकिन तभी इस जगह पर जो सेक्टर पैट्रियाज की बेटी होती है वो कहने लगती है, मैं इसे इस जगह पर एक सजा देना चाहती हूँ। इसे बिल्कुल भी नहीं पता इसे किस तरीके की लेडीज को चूज करना चाहिए अपने लिए। इसने इस जगह पर मुझे अपने लिए चूज किया था, अब मैं इसे उन सब चीजों की सजा देने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो एक जोरदार किक मारती है लिन की बॉडी के ऊपर, जिससे जो लिन की बॉडी होती है वो एक खाई से नीचे की तरफ गिर जाती है, जो कि इस जगह पर चुयन सेक्टर की एक बहुत बड़ी खाई थी। और इसी के साथ ही काफी सारे ब्लड को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें लिन की बॉडी को दिखाते हैं। लिन इस जगह पर कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे पूरे के पूरे चुयन सेक्टर और जी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो इन सारी बातों को सोच रहा होता है वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिस जगह पर उसे किसी बंदे की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे बताता है कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है ये होना लिखा था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये एक चेस पीस की तरह है, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। और अगर इन सब चीजों के बावजूद अगर तुम उनसे बदला लेने के लिए चाहोगे तो इस जगह पर तुम्हें टकराना होगा हेवन और अर्थ से। जिसको सुनने के बाद इस जगह पर तुरंत ही लिन भी कहने लगता है, अगर यहाँ पर मेरे बदले के बीच में हेवन और अर्थ भी आते हैं तो मैं हेवन और अर्थ को भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं क्रश कर दूंगा हेवन और अर्थ को। ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये आवाज किसकी है, आखिरकार मैं बात किससे कर रहा हूँ, ये कौन है जो कि इस जगह पर मुझे इन सब चीजों के बारे में बता रहा है, क्या मैं सही में मर चुका हूँ। और जब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, इसी के साथ ही हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और इसी के साथ ही लिन को दिखाते हैं, जो लिन होता है वो कहने लगता है कि अभी भी मैं जिंदा हूँ इस जगह पर, और वो इन सारी चीजों को देखकर हैरान था। और इसी के साथ ही वो कहता है, मैं तो रियली मैं अभी जिंदा हूँ इस जगह पर, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है और मेरी कल्टीवेशन भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब तो मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता, मुझे कुछ भी कर अपना बदला लेना था, अब तो मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है, मेरे पास जो डिवाइन बॉडीज थी पांचों की पांचों डिवाइन बॉडीज को उन लोगों ने मुझसे छीन लिया, अब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कचरे के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ लगाने लगता है, जैसे ही वो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ लगाता है वो एक चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है, ये तो 6th कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिरकार ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे हो सकता है, मेरे पास इससे पहले खाली 5th ही कॉन्स्टिट्यूशन थे जो कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, और मेरे पास उन सभी की पावर थी जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन ये चीज तो काफी ज्यादा अलग है, मैंने कभी भी अपनी बॉडी के अंदर 6th कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा। इसी के साथ ही वो एक जगह पर आ जाता है जो कि शायद से उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इस जगह पर आकर वो अपने पहले के 5 कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है जिनकी पावर अब ड्रेन हो चुकी है, लेकिन अभी अभी उसकी बॉडी के अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशन जागा है जो कि 6th कॉन्स्टिट्यूशन है, और आखिरकार ये कौन सा है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। इसी के साथ ही वो जो 6th कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और तुरंत ही उस पिलर को टच करता है। जैसे ही वो उसे टच करता है उस पिलर में से काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकलने लगती है, और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है 6th कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इस जगह पर प्रिमोर्डियल केओस बॉडी है, और ये बाकी पांचों की पांचों बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के बाद तो इस जगह पर लिन भी हैरान होता है और कहने लगता है, शायद से गॉड्स भी मेरे साथ है और वो भी चाहते हैं कि मैं इस जगह पर अपने बदले को लूं। और इसी के बाद ही वो कहता है, मुझे लगता है कि इस जगह पर ये स्टार्टिंग से ही मेरे बॉडी के अंदर 6th कॉन्स्टिट्यूशन थे, लेकिन जो मेरे 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी पावर की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर सप्रेस हो चुकी थी और इसे मेरी बॉडी के अंदर ही सील कर रख दिया गया था, लेकिन जैसे ही उन सभी की पावर्स इस जगह से गायब हुई और उनकी पावर्स पूरे तरीके से खत्म हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस जगह पर अवेक हो गया। लेकिन अभी भी उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार वो आवाज किसकी थी जो कि उसने सुनी थी उस टाइम पर जब वो बिल्कुल भी होश में नहीं था, उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, उसने किसी की आवाज सुनी थी, लेकिन अभी उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसी के साथ ही उसे एक बॉल दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। इसी के साथ ही अब उसकी कल्टीवेशन वापस से स्टार्ट हो चुकी थी। वो कहता है, अब मुझे यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी, मुझे कल्टीवेशन करनी होगी जिससे मैं अपनी पावर को और अपने सारे के सारे मेलिडियन पॉइंट्स को वापस से ओपन कर सकूं, क्योंकि जो मेरे मेलिडियन पॉइंट्स हैं वो रिपेयर हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो पूरे तरीके से अनलॉक नहीं हुए, मुझे उन सभी को अनलॉक करना होगा और जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को डिवाइन रियलम में पहुंचाना होगा, वरना मेरे लिए इस जगह पर अपना बदला लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही वो वापस अपनी कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर वो क्यूई रिफाइनमेंट के लेवल 1 पर है। इसी के साथ ही हमें एक सोल को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे होती है, और इस सोल के बारे में ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। इसी के साथ ही हम देख
देखते हैं, उसने इस जगह पर एक ब्रेक थ्रू किया होता है, जिस ब्रेक थ्रू को देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है, मैंने अपने सारे के सारे मेलेडन पॉइंट्स को ओपन कर दिया और इसी के साथ ही मैं क्यूई रिफाइनमेंट के पीक पर पहुंच चुका हूं, वो भी एक ही दिन के अंदर। आखिरकार जो मेरी स्पीड है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है कल्टीवेशन में। लेकिन इसी के साथ ही अब उसे पता चलता है इस जगह पर उसने अपने 9 मेलेडियंस के अलावा एक और मेलेडियन को ओपन कर दिया है, जिसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी गई है। और इसी के साथ ही अब वो उस 10th मेलेडियन के बारे में बताता है, जिसे इस जगह पर एम्परर मेलेडियन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मेलेडियन को ओपन करने के बाद किसी की भी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इसे ओपन नहीं करता क्योंकि इसे ओपन करने में काफी ज्यादा खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब वो कहने लगता है, अगर ये भी अब ओपन हो चुका है तो यानी कि जो मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी फिजिकल पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे एक बार टेस्ट करना चाहिए अपनी फुल पावर का यूज करते हुए। और इसी के साथ ही वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है। उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसकी शॉक वेव से ही इस जगह पर जो जमीन होती है उसमें भी एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। अब वो इसी के साथ ही कहने लगता है, अब इस जगह पर कोई भी बंदा नहीं है च्यून क्लैन में, च्यून क्लैन के पैट्रियार्च के अलावा, जो कि मुझे डिफीट कर सके, क्योंकि इस टाइम पर उसकी कल्टीवेशन डिवाइन रेलम के लेवल 1 पर है और इसीलिए मैं उसका सामना नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर डिवाइन रेलम के लेवल 1 पर पहुंचना होगा और इसी के साथ ही अपना बदला लेने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत है। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है एक विलेज का, जिस विलेज में काफी सारे लोग काफी ज्यादा खुशी से होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग इस जगह पर लिन को देखते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं और काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागने लगते हैं। जो इस जगह पर बच्चे होते हैं उनकी मॉम और उनकी ग्रैंड मदर इस जगह पर उन बच्चों को अंदर की तरफ ले जाती है। यहाँ पर तुरंत ही जो इस विलेज के लीडर होते हैं वो उनके सामने आते हैं और यहाँ पर उससे कहने लगते हैं, आपको इस जगह पर किस चीज की जरूरत है, हम यहाँ पर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। जबकि उनकी ऐसी बात सुनकर इस जगह पर लिन भी हैरान होता है और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोग इस तरीके से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। जबकि तुरंत ही लीडर इस जगह पर अपने घुटनों के बल पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, प्लीज इस जगह से चले जाइए, हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए, हमने पहले ही इस जगह पर जो चीजें थी वो उस जगह पर पहुंचा दी है। लिन भी इस जगह पर यह देखकर हैरान होता है और इस जगह पर कहता है, लीडर मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, आखिरकार च्यून क्लैन की तरफ से इस जगह पर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जबकि वो लीडर भी अब लिन को सारी की सारी बातें बताने लगता है टैक्सेस और बाकी सारी चीजों के बारे में जो कि इस जगह पर च्यून क्लैन वाले उन लोगों के साथ कर रहे हैं। लिन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है, मैं हमेशा से च्यून सेक्टर के अंदर ही रहा हूं, मैं हमेशा अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देता था, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। जबकि वो ओल्ड मैन और बताता है कि इस जगह पर वो टैक्सेस के साथ हमसे हर मंथ एक 1-स्टार बीस्ट के कोर को भी ले जाते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके और हम 1-स्टार मॉन्स्टर के कोर को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, जिस वजह से हम यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे काफी सारे बच्चों की जान भी जा चुकी है एक स्टार बीस्ट को मारने के चक्कर में। क्योंकि तुमको पता ही होगा एक स्टार बीस्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी कोर को लाने के बाद हमें उन लोगों को देना होता है। ये बात सुनने के बाद तो लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है, ये च्यून सेक्टर वाले मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इन लोगों से अपना बदला जरूर लूंगा। लेकिन उनकी ऐसी बात सुनने के बाद इस जगह पर जो वो लीडर होता है वो उससे कहता है, आपको शांत हो जाना चाहिए क्योंकि च्यून सेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने सुना है अभी तो यहाँ पर च्यून सेक्टर की जो यंग लेडी है उनकी भी शादी होने वाली है, तो हमारे वहां से और भी काफी सारी चीजों को उठा लिया जाएगा। लिन यहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन जो वो बंदा होता है वो इस जगह पर लिन से कहता है, आप इसी जगह पर आराम कीजिए, ये हमारे गांव का सबसे अच्छा रूम है, आप इसमें आराम कर सकते हैं। जबकि लिन इस जगह पर कहने लगता है, मुझे ऐसा लगा था च्यून सेक्टर वाले काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने जितने भी गलत काम करे वो खाली मेरे साथ करे, लेकिन अभी मुझे इस जगह पर पता चल रहा है च्यून सेक्टर वाले तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब थे और यहाँ पर अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो इस तरीके के घटिया सेक्टर में हमेशा से रहा है और इसीलिए अब वो अपने आप को कोस रहा होता है और काफी सारी चीजें अपने लिए कह रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें मॉन्स्टर फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो च्यून क्लैन के काफी सारे आउटर डिसाइपल होते हैं वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर की बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं। ये तो नहीं बताया जाता ये कौन सा मॉन्स्टर है, लेकिन ये एक 2-स्टार मॉन्स्टर है जिसको मारने पर ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं, हम इस 2-स्टार बीस्ट की कोर को सेक्टर पैट्रियार्च की बेटी को देंगे, कल उनकी मैरिज है तो वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश होंगी। यहाँ पर ये लोग इसी सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा इस जगह पर कहता है, तुम लोग इस जगह पर एक 2-स्टार मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, वो कमजोर था इसीलिए तुमने मारा, हमारे सेक्टर में दो ही लोग हैं जिनमें से एक लिन था और इस जगह पर सेक्टर पैट्रियार्च, वही दो हैं जो कि इस जगह पर एक 2-स्टार मॉन्स्टर को मार सकते हैं। लेकिन तभी उसे एक थप्पड़ पड़ता है जो कि एक बंदे ने इस जगह पर उसे मारा होता है। वो बंदा कहने लगता है, हमने तुमसे पहले ही यहाँ पर कह दिया है कि जो भी इस जगह पर लिन के नाम को दोबारा से लेगा हमारे सेक्टर के अंदर उसे इसी तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी, इसीलिए इस जगह पर तैयार हो जाओ, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई गलती करी तो मैं इस जगह पर तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसी विलेज में पहुंच जाते जिस जगह पर लिन आया हुआ था। लिन इस जगह पर अशांति से सो रहा होता है, तभी उसे काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। जिन आवाजों को सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, आखिरकार
आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हो रही है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही तुरंत ही लिन बाहर की तरफ आता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है वो देखता है चुयुन सेक्टर के काफी सारे डिसिपल जो कि आउटर डिसिपल है वो इस जगह पर आकर काफी सारे लोगों को तंग कर रहे हैं और इस जगह पर जो इस जगह का लीडर है उसी को पीट रहे हैं। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो इस जगह पर कहने लगता है अगर तुमने इस लड़की को हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें और भी ज्यादा पीटेंगे। जबकि हम देखते हैं उस छोटी बच्ची को इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया था, जबकि ये उसके ग्रैंडफादर को भी मार रहे होते हैं। जबकि उन सब चीजों को देखने के बाद तो इस जगह पर लिन भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है टैंग इस जगह पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इस तरीके के घटिया इंसान निकलोगे। टैंग कहने लगता है आखिरकार अब किसकी हिम्मत हुई इस जगह पर मेरे से इस तरीके से बात करने की। लेकिन जैसे लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है सभी लोग इस जगह पर कहते हैं ये तो सीनियर ब्रदर लिन है इस जगह पर, आखिरकार ये जिंदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन टैंग भी अब इस जगह पर थोड़ा बहुत डर जाता है और कहने लगता है सीनियर ब्रदर आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो खाई से गिरकर मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर तुम नहीं मरे तो इस जगह पर अब तुम मेरे सामने शायद से मरने के लिए आ चुके हो, मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले भी मुझे काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अब इस जगह पर तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी पोजीशन को तो मैं काफी ज्यादा आसानी से ले लूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन बेस तो है नहीं और एक कचरे के अलावा तुम और कुछ भी नहीं हो क्योंकि पहले तुम्हारे पास 5 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी जिस वजह से तुम अपने ऊपर काफी ज्यादा गुमान करते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम मेरे सामने एक कचरे के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो। लेकिन जब वो इस तरीके की बात करता है ये बातें लिन को पसंद नहीं आती। लिन एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल के ऊपर मारता है, ये थप्पड़ काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जिस वजह से सभी लोग इस जगह पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं क्या इसकी कल्टीवेशन बेस अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसके पास अभी भी इसकी कल्टीवेशन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जो लिन होता है वो उन सभी गांव वालों को कहने लगता है तुम इस जगह पर इन बच्ची और इन अंकल को संभालो, इन सभी लोगों को इस जगह पर मैं देखता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो इस जगह पर टैंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन है तो तुम इस जगह पर मुझे हरा सकते हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, अब इस जगह पर शायद तुम मेरे हाथ से मरने ही वाले हो क्योंकि अब तुम्हारे पास पहले जैसी पावर बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन लिन जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वो उसके पेट के ऊपर एक और जोरदार लात मारता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर ऐसा लगा था तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हो और इस जगह पर तुम मेरे बाद उस सेक्टर को अच्छे तरीके से संभालोगे। लेकिन इस जगह पर टैंक तुरंत ही कहता है तुम्हें क्या लगा है इस जगह पर मैं हमेशा से तुम्हारा गुलाम रहूंगा और तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम इस जगह पर चुयुन सेक्टर को छोड़कर चले गए उसके बाद से इस जगह पर मेरी हालत क्या हुई है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब इस जगह पर तुम्हें मरना होगा जिसके बाद मुझे तुम्हारी पोजीशन मिलेगी। और इसी के साथ ही वो अपने एक मिड लेवल की टेक्निक को यूज करते हुए लिन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। लिन कहता है इस बकवासी टेक्निक को मेरे ऊपर यूज करते हुए तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इस बकवासी टेक्निक से मुझे मार सकते हो, ये तुम्हारी एक गलत फहमी है। और इसी के साथ ही लिन भी अपनी पावर को यूज करते हुए उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और यहाँ पर जैसे ही लिन उसे किक मारता है जो उसका अटैक होता है वो पूरे तरीके से नलीफाई हो जाता है क्योंकि वो तो लिन के ऊपर अटैक कर ही नहीं पाता और तुरंत ही पीछे की तरफ चला जाता है। वो कहता है अब तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो, अगर तुम इस जगह पर मुझे मार भी डालते हो तब भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो तुम्हारे पास पहले 5 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी वो तो अब 5 लोगों की बॉडी के अंदर जा चुकी है जो कि इस जगह पर जीस फैमिली के पैट्रियार्च के बेटे हैं। और इस जगह पर अब वो उन सभी के बारे में बताता है कि वो सभी के सभी इस जगह पर हायर अकेडमीज को ज्वाइन कर चुके हैं अपनी 5 होली बॉडी के साथ और उनमें से जो सबसे ज्यादा छोटा बेटा है उसकी शादी हमारे यहाँ पर जून सेक्टर की जो प्रिंसेस है यानी कि पैट्रियार्च की बेटी उसके साथ शादी होने वाली है और तुम तो एक कचरे की लाइफ ही जियोगे हमेशा। और यहाँ पर ये बात करने के साथ ही अब लिन की जो बॉडी होती है उसका जो ऑरा होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा उसकी बॉडी से निकलने लगता है। लिन अब यहाँ पर अपने एक पावरफुल पंच का यूज उसके ऊपर करता है, लिन का ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसी के साथ ही लिन कहने लगता है तुम्हारे लिए सजा काफी है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता लिन ने उसे मार दिया है या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ ही जो लिन होता है वो बाकी सभी की तरफ देखने लगता है और बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार अब तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो, क्या तुम भी इसी की तरफ मेरे से फाइट करना चाहते हो और मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जबकि अब जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो तुरंत ही अपने सर को नील डाउन करने लगते हैं और इस जगह पर कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हम इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तभी यहाँ पर जो लिन होता है वो चुयुन सेक्टर के बारे में उनसे जानकारी पूछने लगता है। तभी वो बताते हैं आपके जाने के बाद 1 महीने से यहाँ पर चुयुन सेक्टर में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और अभी वो और भी काफी सारी चीजें बताते हैं। तभी लिन कहने लगता है क्या इस जगह पर 1 महीना बीत चुका है, यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि यहाँ पर काफी लंबा टाइम बीत चुका है और 1 महीने से वो गायब था। तभी लिन कहता है शायद से 1 महीने का जो टाइम है उसमें मैं कोमा में रहा हूँ। लिन यहाँ पर उनसे कहने लगता है लेकिन जो तुम इस जगह पर मुझे बात बता रहे हो वो बात मुझे पहले से ही पता है इस जगह पर। तभी जो वो बंदा होता है वो कहता है ठीक है मैं आपको इस जगह पर बताने वाला हूँ कल मैरिज के बारे में क्योंकि कल हमारे वहाँ पे मैरिज होने वाली है, तो इस जगह पर जो 20 सेक्टर है वहां से भी एक बंदा इस जगह पर आने वाला है। लिन कहता है क्या इस जगह पर सही में 20 सेक्टर से भी एक बंदा आ रहा है,
वो बंदे भी इस जगह पर इसके लिए एग्री हो जाते हैं और बताने लगते हैं। जहां पर जो यंग मास्टर है जिनके साथ हमारी जो प्रिंसेस है उनकी शादी हो रही है, उनका लेवल भी डिवाइन लेवल के लेवल 1 पर है। ये बात सुनने के बाद लिन हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं सेक्टर के पेट्रियार्च इस जगह पर पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और यहां पर अब जो जी फैमिली के सारे बेटे हैं वो भी काफी ज्यादा हायर सेक्टर्स में जा चुके हैं, जिस वजह से मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने 20 सेक्टर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकाल रखी है। 20 सेक्टर का जो पेट्रियार्च है वो इस टाइम पर सबसे ज्यादा कमजोर है इन सारे के सारे 5 सेक्टर्स में से, और 20 सेक्टर का जो पेट्रियार्च है उसकी कल्टीवेशन लगभग इस जगह पर डिवाइन लेवल के लेवल 9 पर होगी, और उसे हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, इसीलिए वो मेरे लिए एक इजी टारगेट है। तो मैं कल उस जगह पर जाने वाला हूं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर। तभी वो लोग इस जगह पर कहते हैं हमको इस जगह पर माफ कर दीजिए, हम इस जगह पर बिल्कुल भी आपसे फाइट नहीं कर सकते, हम लोग इस जगह पर जिंदा रहना चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा भीख मांगने लगते हैं, लेकिन लिन उनकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है इस जगह से निकल जाओ, इस बीस्ट को इसी जगह पर छोड़कर, क्योंकि वो एक सेकंड स्टार का बीस्ट था। क्योंकि लिन अगर उसकी कोर के साथ इस जगह पर कल्टीवेशन करे तो जरूर वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है और जल्दी से जल्दी डिवाइन लेवल पर पहुंच सकता है। तभी लिन उनके ऊपर अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक के बारे में कोई चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन जैसे ही लिन इस टेक्निक का यूज करता है वो सभी लिन के कंट्रोल में आ जाते हैं, और जैसे ही लिन उन्हें इस जगह से जाने को कहता है वो लोग तुरंत ही इस जगह से निकल जाते हैं। लिन कहता है ये बीस्ट तो इस जगह पर काफी अच्छा है, मुझे लगता है ये 2-स्टार का बीस्ट है और इसके साथ मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ सकती है। तभी वो इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी से कहने लगता है ठीक है इस जगह पर तुम लोग अभी इन लोगों का ख्याल रखो, कल मैं तुम लोगों को इस जगह से लेकर निकलूंगा। और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं कि इस जगह पर एक आउटसाइडर जो कि इस जगह पर उनसे अगर ये सारी चीजें कह रहा है और आखिरकार उसने हम लोगों की जान क्यों बचाई। लेकिन वो लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि लिन सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उन लोगों को भी लिन की बात माननी पड़ती है। तभी यहां पर लिन उस बीस्ट को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और उठाते हुए कहता है चलो ठीक है अब तो गॉड भी मेरे साथ है, मुझे इस बीस्ट के साथ कल्टीवेशन करनी होगी, इसकी कोर को सबसे पहले मुझे बाहर निकालना होगा, इसकी डिमोनिक कोर को। लेकिन जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी यहां पर जो बीस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने लगती है। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर क्या चीज है जो कि बाहर निकल रही है, क्या इस जगह पर ये कोई इवॉल्व बीस्ट है जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकलने वाला है। इसी के साथ ही जो भी चीज उसकी बॉडी से बाहर निकलती है वो काफी ज्यादा तेजी से निकलती है और वो पूरे तरीके से गोल्डन कलर से कवर्ड होती है। तभी यहां पर लिन कहता है ये तो एक छोटा सा पक्षी है, आखिरकार ये इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। तभी लिन इसको देखकर कहता है मुझे लगता है कि ये एक इवॉल्व बीस्ट है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो अपनी पावर से काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकल जाता है। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है अगर यही अटैक इसने मेरे ऊपर किया होता तो इस जगह पर मैं तो मारा जाता, लेकिन अगर इस बीस्ट को इस जगह पर मैंने अपने लिए टेम कर लिया तो इसके बाद तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और 20 सेक्टर का जो पेट्रियार्च है शायद से वो भी मेरा सामना ना कर पाए। तभी वो इवॉल्व बीस्ट के बारे में बताता है जो इवॉल्व बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नॉर्मल बीस्ट से, क्योंकि उनके पास इस तरीके की पावर्स होती हैं कि वो अर्थ और हेवन की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सके, और इसी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवॉल्व हो जाते हैं और उनकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है और नॉर्मल बीस्ट उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, क्योंकि जो नॉर्मल बीस्ट होते हैं उनका लेवल खाली 3-स्टार तक ही पहुंच सकता है, यानी कि वो अपने यान लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो इस जगह पर डिवाइन बीस्ट होते हैं यानी कि जो इस तरीके के बीस्ट होते हैं जो कि इवॉल्व हो जाते हैं उनका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है, वो 4-स्टार और 5-स्टार को भी हासिल कर सकते हैं। लिन अभी इन्हीं सब चीजों की बात कर रहा होता है तभी वो इस जगह पर अपनी उंगली के ऊपर एक कट को लगाता है और कहने लगता है इस बीस्ट को अपना पेट बनाने के लिए मुझे अपना खून पिलाना होगा, और इसी के साथ ही अब वो उस बीस्ट के मुंह के अंदर अपने ब्लड को डालने लगता है। लेकिन जो वो बीस्ट होता है वो जैसे ही इस जगह पर लिन के खून को टेस्ट करता है वो लगातार लिन के खून को पीने लगता है। लिन कहता है ये तो मेरे खून को लगातार पिए जा रहे हैं, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो लिन की तरफ देखता है और वो अपने मन में कुछ बातें करने लगता है जो कि लिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। लिन कहता है क्या इस जगह पर तुम मेरे पेट बनने के लिए तैयार हो। लेकिन जब लिन इस तरीके की बात करता है वो जो बीस्ट होता है वो तुरंत ही लिन के गाल के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और इस जगह पर अपने मन में कह रहा होता है कि इसने इस जगह पर सबसे पहले मेरी मॉम को मार दिया और उसके बाद ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है मेरे साथ, इस जगह पर अपने ब्लड को पिलाकर मुझे अपना बीस्ट पेट बनाना चाहता है, क्या इसे ऐसा लगता है कि इस जगह पर ये चीज करने में सक्षम है। लिन भी यहां पर थप्पड़ खाने के बाद कहता है आखिरकार इस बीस्ट को क्या हुआ। लेकिन तभी जो वो बीस्ट होता है वो तुरंत लिन के हाथ के ऊपर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथ को काटते हुए कहता है इस जगह पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वो लिन के हाथ को काटते हुए काफी ज्यादा मांस के टुकड़े को उसकी बॉडी से खींच लेता है। लिन भी कहता है छोड़ो इस जगह पर मुझे, और इसी के साथ ही लिन उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और अपने हाथ को देखता है। जैसे ही लिन अपने हाथ को देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के एक काफी ज्यादा बड़े पार्ट को उस बीस्ट ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। वो बीस्ट भी नीचे की तरफ गिर जाते हैं और अपने मन में कहता है और इसकी बॉडी से मुझे थोड़ा और ब्लड मिल जाता है तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, क्योंकि ये बीस्ट इस जगह पर इवॉल्व होने के बाद यहाँ पर 3-स्टार पर पहुंच चुका होता है, यानी कि ये इस टाइम पर डिवाइन लेवल पर पहुंच चुका है। जबकि वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मुझे अगर इस बंदे के ब्लड की जरूरत नहीं होती तो मैंने अभी तक इस लड़के को मार दिया होता।
है, जबकि यहाँ पर वो 20। जब इसी सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी यहाँ पर उसकी जो अपग्रेड प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और वो तुरंत ही अपने आप को लेवल अप कर देता है। यहाँ पर वो बीस्ट भी हैरान होता है क्योंकि वो लिन के ब्लड की वजह से लेवल अप हो चुका था। लिन भी उस बीस्ट की तरफ देखता है और कहने लगता है इसने तो अभी अभी लेवल अप कर लिया, ऐसे ये सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से हुआ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर केओस ब्लड लाइन और केओस बॉडी की पावर है जिस वजह से ये सारी चीजें हुई। लेकिन लिन तुरंत ही उस बीस्ट को इस जगह पर उसके पंखों से पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम इस जगह पर तैयार हो जाते हो मेरा पेट बनने के लिए तो मैं तुम्हें इस जगह पर वादा करता हूं मैं तुम्हें यान और यान लेवल से भी आगे की कल्टीवेशन दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि उस बीस्ट पेट के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि उसे इवॉल्व होने के लिए यहां पर लिन के ब्लड की जरूरत है, तो जिस वजह से उसे भी लिन का साथ देने के लिए तैयार होना पड़ता है। लिन कहता है अगर तुम इस जगह पर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हो तो पक्का इस जगह पर मैं तुम्हें वादा करता हूं यान लेवल में पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करता हूं। और इसी के बाद ये बीस्ट भी अपने मन में कुछ चीजों को सोचने लगता है। लेकिन जो लिन होता है वो इस जगह पर अब उस बीस्ट के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही जो बड़ा बीस्ट होता है जो कि इस जगह पर एक बर्ड टाइप बीस्ट है उसकी बॉडी से उसके कोर को बाहर निकाल लेता है और उसकी कोर को बाहर निकालने के बाद कहता है अब मैं इस जगह पर कल्टीवेशन करने वाला हूं तुम इस जगह पर इस बात का ध्यान रखना मेरे आसपास और कोई भी बंदा ना आ पाए ताकि मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब ना हो जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊं। और इसी के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और ये सारी की सारी जो बीस्ट कोर होती है उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जबकि वो बीस्ट भी साइड में बैठकर अपने मन में कहने लगता है कि क्या इस बंदे को ऐसा लगता है कि इस जगह पर मैं इसकी प्रोटेक्शन कर सकता हूं मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हूं कि इस बंदे की प्रोटेक्शन कर सकूं। तभी वो लिन की तरफ देखता है जो लिन होता है वो उसको देखकर कहता है एक नॉर्मल टू स्टार बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करने में 10 दिन लगते हैं लेकिन इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे इतना लंबा टाइम लगने वाला है इस बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करने में क्योंकि लिन के पास केओस बॉडी है जिस वजह से वो इजीली इस बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी ही देर में इस जगह पर उसका जो लेवल अप होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ही इस जगह पर उसकी लेवल अप की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसकी बॉडी से जो एनर्जी होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। वो बीस्ट भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है जबकि मैंने भी अभी अभी डिवाइन लेवल में कदम रखा था तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकली थी जितनी इस बंदे की बॉडी से निकल रही है। हम देखते हैं इस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ही जो लिन के जितने भी कपड़े होते हैं वो भी सारे के सारे इस जगह पर फट जाते हैं। लिन कहता है मैंने तो इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर लिया है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करके डिवाइन लेवल के लेवल 1 पर आ जाऊंगा शायद से अब इस जगह पर मैं बदला ले पाऊंगा और इस जगह पर मेरे पास ये बीस्ट भी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि वो बीस्ट भी इस जगह पर लिन की बॉडी को देखकर शॉक होता है और कहने लगता है इसके मसल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। जबकि इसी के साथ ही लिन च्यून क्लैन की तरफ देखता है और कहता है अब जल्द ही तुम्हारा पूरा का पूरा च्यून क्लैन डिस्ट्रॉय होने वाला है क्योंकि मैं अब तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा हूं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं च्यून क्लैन के अंदर सारी की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। इस जगह पर जो सेक्टर पैट्रियार्च होते हैं और उनकी बेटी होती है वो सभी लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर्स के एल्डर्स इस जगह पर आए हुए थे। जबकि इस जगह पर जो लीडर होते हैं सेक्टर के वो कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर जो जी फैमिली का सबसे छोटा बेटा है उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करना है क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। जबकि ये लड़की भी इस जगह पर शर्मा रही होती है और कहने लगती है फादर आपको इस जगह पर बिलीव रखना होगा मैं इस जगह पर 20 सेक्टर में जाने के बाद अपनी कल्टीवेशन को भी ठीक तरीके से बढ़ाऊंगी क्योंकि इस टाइम पर क्यूई रिफाइनमेंट के 8 लेवल पर पहुंच चुकी है। फादर कहते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है तुम इस टाइम पर हमारी फैमिली की एक जीनियस लड़की हो इसीलिए अपनी कल्टीवेशन को लगातार आगे बढ़ाते रहना। इसी के साथ ही जो 20 सेक्टर से आने वाले लोग होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं और जी फैमिली का जो लड़का है वो भी 20 सेक्टर से इस जगह पर आ जाता है जो कि एक कोर डिसिपल बन चुका है 20 सेक्टर का। तभी यहां पर सेक्टर पैट्रियार्च भी देखकर हैरान होते हैं कि 20 सेक्टर से भी एक एल्डर इस जगह पर आया हुआ है और इसी के साथ ही वो एल्डर कहने लगता है मुझे माफ करना इस जगह पर तुम लोगों को इस जगह पर परेशान करने के लिए लेकिन हमारा कोर डिसिपल इस जगह पर आया हुआ है इसीलिए सेक्टर पैट्रियार्च ने मुझे भी इस जगह पर भेजा है इसके साथ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं हम आज रात का बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे जल्दी से जल्दी इस जगह पर मैरिज को कंप्लीट करना चाहिए। तभी यहाँ पर जो 20 सेक्टर के एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं तुम लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है थोड़ी ही टाइम में ये मैरिज कंप्लीट हो जाएगी और वैसे ये लड़की तो हमेशा से ही तुम्हारी है इसीलिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। और इसी के साथ ही जो यहाँ पर पैट्रियार्च होते हैं वो उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं और इसी के साथ ही अब यहाँ पर जो मैरिज फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि ये दोनों ही अब मैरिज फंक्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं लेकिन इनको नहीं पता होता आज आखिरकार इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ ही इस जगह पर काफी सारे जो लोग इस जगह पर आए हुए थे बड़े बड़े सेक्टर्स से बड़ी बड़ी फैमिली से वो इस जगह पर इन लोगों को गिफ्ट दे रहे होते हैं। कोई बंदा इन्हें इस जगह पर क्रिस्टल देता है कोई इस जगह पर ट्रेजर देता है कोई इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड देता है कोई लोग इस जगह पर इन्हें फल फ्रूट दे रहे होते हैं। यहाँ पर जो सेक्टर पैट्रियार्च होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं ये सारी की सारी चीज हमारे सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा
काम आएंगी। लेकिन ये सारे गिफ्ट भी अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमें और भी ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर एक हुडी पहनकर आया हुआ था, और ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लिन होता है। लिन इस जगह पर कहता है ये गिफ्ट काफी नहीं है, मुझे लगता है इस जगह पर मुझे भी अपने तरफ से एक गिफ्ट इन लोगों को देना चाहिए। मेरे जिंदा होने का गिफ्ट देखने के बाद तो ये लोग इस जगह पर हैरान हो जाएंगे। जबकि हमें उस बर्ड को वापस से दिखाया जाता है जो यहाँ पर कह रही होती है शायद इस जगह पर ये लड़का कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया हुआ है। तभी ये इस तरीके की इविल सोच अपने मन में रख रहा है क्योंकि वो उसकी सारी की बातों को समझ सकती थी, लेकिन लिन उनकी किसी भी बात को नहीं समझ सकता था। जबकि जो पैट्रियाज होते हैं वो कहने लगते हैं आप लोग इस जगह पर आए और हमारे लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पर इस सेरेमनी को स्टार्ट करना होगा, लेकिन तुरंत लिन इस जगह पर इस सेरेमनी को रोकते हुए कहता है अभी तक इस जगह पर मैंने अपने गिफ्ट को नहीं दिया। जबकि पैट्रियाज भी इसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं अब ये इस जगह पर कौन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी लिन आगे आते हुए कहता है मैंने यहाँ पर अभी तक इन लोगों को अपना गिफ्ट नहीं दिया, पहले मैं अपना गिफ्ट इन लोगों को दे दूं जिसके बाद इस जगह पर सेरेमनी को स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। जैसे ही सेक्टर पैट्रियाज गिफ्ट के बारे में सुनते हैं उनके मन में लालच आ जाता है और वो कहते हैं ठीक है इस जगह पर तुम अपने गिफ्ट को दे सकते हो। तभी यहाँ पर लिन कहता है ठीक है अब इस जगह पर तैयार हो जाओ मेरे इस स्पेशल गिफ्ट के लिए, और वो तुरंत ही अपनी बॉडी के ऊपर से जो उसने वो हुडी पहनी हुई थी उसको हटाने लगता है और कहता है मेरे गिफ्ट को देखकर तुम हैरान हो जाओगे। और इसी के साथ ही वो अपनी हुडी को अपनी बॉडी के ऊपर से हटाता है। जैसे ही वो उसे हटाता है सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं, जबकि जो इस जगह पर वो लड़का होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है इस जगह पर। जबकि लिन इस जगह पर कहता है मेरे साथ वो सब कुछ करने के बाद तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बच सकते हो, तुम लोग भी इस जगह पर आज इसी जगह पर मरने वाले हो। सेक्टर पैट्रियाज लिन को जिंदा देखकर हैरान होते हैं, वो कहने लगते हैं इसकी कल्टीवेशन तो वापस से स्टार्ट हो चुकी है, ये क्यूई रिफाइनमेंट के पीक पर पहुंच चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी तो कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसे मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो भी यही कह रही होती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने इसे अपने हाथों से पॉइजन दिया था उसके बाद भी ये जिंदा कैसे हो सकता है, इसे तो मर जाना चाहिए था। वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसका फियोंसे भी उसी को देख रहा होता है। तभी जो लिन होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो आज इस जगह पर तुम सभी को मरना होगा, मैं तुम सभी को इस जगह पर मारने वाला हूँ। जबकि जो उसका फियोंसे होता है वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहने लगता है लिन पहले तुम इस जगह पर एक जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अब तुम एक कचरे के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इस जगह पर तुम मेरे हाथों से आज मरने के लिए इस जगह पर आए हो। लेकिन जो उसकी फियोंसे होती है वो इस जगह पर उसे रोकने लगती है, लेकिन वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये कचरे का टुकड़ा इस जगह पर मुझे डिफीट कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस जगह पर चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए चिंता करनी चाहिए क्योंकि आज मैं इसे बहुत बुरे तरीके से पीटने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास एक हेवन लेवल की बॉडी है और उस बॉडी की पावर से मैं कुछ भी कर सकता हूं इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसकी फियोंसे यानी कि प्रिंसेस कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये लड़का मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तभी प्रिंसेस पीछे से कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा उस जगह पर, पता नहीं इसके पास कौन सी ट्रिक्स है जिसकी वजह से इसने अपने कल्टीवेशन बेस को वापस से रिकवर कर लिया। इसी के साथ ही जो लिन होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और करीब आने के बाद कहता है तो तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इस जगह पर आकर सभी को मार सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि जो लिन होता है वो उसके करीब जाते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं इस जगह पर चुइन सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के साथ मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करने वाला हूं और तुम्हें भी इसी जगह पर मारने वाला हूं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बहुत ज्यादा बुरी मौत मिलने वाली है। इसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो जो इस जगह पर सेक्टर पैट्रियाज का बेटा होता है यानी कि जी फैमिली का सन वो इस जगह पर गुस्सा हो जाते हैं और कहता है तुम इस जगह पर मेरा कोई भी मैच नहीं हो, पहले जब तुम्हारे पास 5 होली बॉडीज थी तब तुम इस जगह पर मुझे मार सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जो लिन होता है वो कहता है तो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें दिखाता हूं आखिरकार मेरी पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर जी फैमिली का सन होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और कहता है सभी लोगों से अब तुम लोगों को इस जगह पर मैं एक बहुत अच्छा शो दिखाने वाला हूं, इस लड़के की मौत को तुम अपनी आंखों से देखने वाले हो और मेरी पावर को भी आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। जबकि इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, सभी लोग कहते हैं हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को यहां पर शांत रहना है। जबकि हमें दिखाया जाता है जो इस जगह पर वो 20 सेक्टर से एल्डर आया हुआ था वो इस जगह पर कहने लगता है इस बच्चे ने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा लिया, अगर एक बार इस जगह पर ये लड़का उसे डिफीट कर देता है उसके पास कोई ना कोई होली ट्रेजर जरूर होगा, मैं इस जगह पर उसे मारकर उस होली ट्रेजर को उसे छीन लूंगा। जबकि इसी के साथ ही हमें दिखाई जाती है ट्रांसफॉर्मेशन जी फैमिली के लड़के की, और यहां पर वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ ही कहता है अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी की फुल पावर को दिखाने वाला हूं। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं
क्या ये इस जगह पर बीस्ट बॉडी की फुल पावर को यूज करने वाला है। इसी के साथ ही इसकी पावर अब डिवाइन लेवल के लेवल 2 के कल्टीवेटर जितनी हो गई है। इसका सामना करना अब इस जगह पर जो लिन है उसके लिए नामुमकिन है, और वो तुरंत ही लिन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। वो काफी ज्यादा दूर से अपनी शॉक वेव को रिलीज करता है लिन के ऊपर, ताकि जो लिन है वो उसकी शॉक वेव से घायल हो जाए और इतनी जल्दी ना मरे। जबकि जो लिन था वो इस जगह पर खामोशी से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और शांति से उसी जगह पर खड़ा रहता है। और इसी के साथ ही उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी इस जगह पर वापस से जी फैमिली का लड़का कहता है, शायद से इस जगह पर वो मर गया, मुझे अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज नहीं करना चाहिए था। जबकि सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही एक आवाज सुनाई देती है और इस जगह पर जो लिन होता है वो कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर मेरे लेवल के बराबर हो? तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, मेरा लेवल तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर यह देखने के बाद तो जी फैमिली का लड़का भी हैरान होता है और कहने लगता है, इसका लेवल जो है इस जगह पर वो क्यूई रिफाइनमेंट नहीं बल्कि ये भी डिवाइन लेवल पर पहुंच चुका है, और इस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन डिवाइन लेवल के लेवल 1 पर है। और इसी के साथ ही अब जो इस जगह पर लिन था वो कहने लगता है, चलो ठीक है, तुमने मुझे अपनी पावर दिखाई, अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर दिखाता हूं। और काफी ज्यादा स्पीड से तुरंत ही जी फैमिली के लड़के के पास आ जाते हैं और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जी फैमिली के लड़के के पीछे की तरफ से कपड़े भी फट जाते हैं और काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। इसी के साथ ही एक ही पंच के बाद वो इस जगह पर अपने मुंह से खून को बाहर निकालने लगता है। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है, आखिरकार मैं इसे डिफीट क्यों नहीं कर पाया, मेरे पास तो एक डिवाइन बॉडी थी और उस डिवाइन बॉडी की हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता था। तभी उसके मुंह के ऊपर लिन तुरंत ही एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और यहाँ पर जैसे ही वो इस थप्पड़ को खाता है उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, और लिन तुरंत ही उसके मुंह के पास जाता है और अपने पैर से उसके सर को इस जगह पर कुचलने लगता है और कहता है, तुम जैसे कचरे की आखिरकार हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर मेरे ऊपर हाथ लगाने की? अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकत करी तो इस जगह पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी ऐसी हरकत को देखकर चुन सेक्टर के लीडर भी हैरान होते हैं। जबकि इस जगह पर जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है इस जगह पर इसने वापस से हेवन लेवल की एक और डिवाइन बॉडी हासिल कर ली हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इसकी सिक्स बॉडी होगी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एल्डर, जो कि बीस सेक्टर से इस जगह पर आया हुआ है। वो कहता है, शायद से जो पांच बॉडी इससे पहले इस बंदे के पास थी, ये बॉडी उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अगर ये बॉडी मुझे मिल जाए तो मैं इस जगह पर बीस सेक्टर का पैट्रियाज बन जाऊंगा और मेरी पावर पैट्रियाज से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मुझे कुछ भी कर इस बॉडी को इस लड़के से छीनना होगा। और वो इसी के साथ ही कहने लगता है, अगर एक बार ये बॉडी मेरे पास आ जाए तो उसके बाद जो मेरी कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक महीने में ये बंदा डिवाइन लेवल पर पहुंच गया, जबकि काफी सारे कल्टीवेटर को डिवाइन लेवल पर पहुंचने में काफी लंबा टाइम लगता है। इसी के साथ ही वो एल्डर आगे बढ़ता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जो लिन होता है उसको पीछे की तरफ धकेल देता है और कहता है, इस जगह पर अब जो ये तुम्हारे पास हेवन लेवल की डिवाइन बॉडी है ये मुझे चाहिए, अब इस बॉडी को मैं तुमसे लेने वाला हूं और इसके बदले में मैं इस जगह पर तुम्हारी जान को भी बख्श सकता हूं। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनने के बाद चुन सेक्टर के लीडर भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार एल्डर ऐसा कैसे कर सकते हैं, एल्डर को उसे कुछ भी कर मारना होगा, शायद ये बस उनकी एक चाल है। तभी यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर का नमूना दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिस हमले के वजह से जो लिन होता है वो भी पीछे की तरफ चला जाता है। लिन यहाँ पर पीछे की तरफ चला जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। लिन कहता है, इस एल्डर की पावर तो काफी ज्यादा है, ये इस टाइम पर डिवाइन लेवल के लेवल 5 पर है, और अगर इसे ये बॉडी मिल जाएगी तो ये एक यान लेवल का मास्टर बन जाएगा और मैं कुछ भी कर इसे एक यान लेवल का मास्टर तो बनने नहीं दूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं जी फैमिली का लड़का होता है वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर एल्डर से कहने लगते हैं, एल्डर इस जगह पर आपको मेरा एक काम करना होगा, इस लड़के को मार दो इस जगह पर, इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो एल्डर भी कहने लगता है, ठीक है इस जगह पर। लेकिन जो लिन होता है वो इस जगह पर अपने पेट को बाहर निकाल लेता है और आगे की तरफ भेजता है। वो बीस्ट भी इस जगह पर कहने लगता है, एक छोटे से काम के लिए इस जगह पर तुमने मुझे बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो एल्डर इस बीस्ट को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो एक 4-स्टार बीस्ट है, आखिरकार इस लड़के के पास ऐसा 4-स्टार बीस्ट कैसे हो सकता है? ये बीस्ट इस टाइम पर यान लेवल पर है। और इसी के साथ ही वो बीस्ट एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से जो एल्डर की बॉडी होती है उसमें भी काफी सारी चोटें लग जाती है और उस लेजर की वजह से एल्डर की उसी जगह पर डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद तो जो इस जगह पर सेक्टर लीडर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी इस जगह पर सही नहीं हो सकता, ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अब हमें इस जगह पर क्या करना होगा। जबकि प्रिंसेस भी लिन की तरफ देख रही होती है, क्योंकि अब उन्हें पता था लिन इस जगह पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, अगर उसे एल्डर नहीं मार सकते तो उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। इस जगह पर जी फैमिली का लड़का भी हैरान होता है और कहता है, अब इस जगह पर क्या होने वाला है? जबकि तुरंत ही जो लिन था वो यहाँ पर जी फैमिली के लड़के को पकड़ लेता है और गले से ऊपर की तरफ उठा देता है। जबकि जी फैमिली का लड़का लिन से कहता है, तुम इस जगह पर मुझे छोड़ दो, इसके बाद हमारा जो ये मामला है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, मैं इन सारी चीजों को भूल जाऊंगा, और अगर तुम्हें इस फैमिली के साथ जो कुछ भी करना है वो तुम कर सकते हो, मैं इन सारी चीजों को भूल जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जगह से जाने दो। जबकि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद लिन कहता है, चलो ठीक है, इस जगह पर तुम थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि तुम इस जगह पर मेरे छोटे छोटे पीसेस करना चाहते हो, क्या तुम्हें
लगता है कि मैं उन बातों को भूल सकता हूँ, जबकि उसकी ऐसी बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहता है, प्लीज मुझे इस जगह पर माफ कर दो, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे इन सब चीजों के लिए माफ कर दो, अगर तुम मुझे माफ कर देते हो तो इस जगह पर मैं तुम्हें काफी सारी चीजें दे सकता हूँ। लेकिन लिन उसे तुरंत ही छोड़ देता है, जबकि उसकी वो ऐसा करता हुआ देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, इसने अभी मुझे जितना ज्यादा बेइज्जत किया, इन सारी बेइज्जती का बदला मैं इससे जरूर लूंगा और एक दिन इसे जरूर मारूंगा अपने सेक्टर पैट्रियाज के साथ इस जगह पर आकर। तभी लिन उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम इस जगह पर इस बारे में सोच रहे हो कि तुम अपने सेक्टर पैट्रियाज के साथ इस जगह पर आओगे और मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हें लगता है इस जगह पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो कहता है, नहीं, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। लिन कहता है, जब तुम्हें इस जगह पर यह ट्रेजर बॉडी मिली थी उसी टाइम पर तुम्हारा मरना तय हो चुका था और तुम्हारे फादर के साथ पूरी फैमिली का। और इसी के साथ लिन अपने हाथ को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और इस जगह पर तुरंत ही उसकी डेथ इस जगह पर हो जाती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सभी लोग अब इस जगह पर झुक जाते हैं लिन के सामने और घुटने के बल आ जाते हैं और इस जगह पर सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। जबकि चुन सेक्टर के पैट्रियाज वापस से पहले की तरह कहने लगते हैं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस जगह पर कुछ भी नहीं हो सकता। लिन इस जगह पर कहता है, अब तुम्हारी बारी है इस जगह पर सेक्टर पैट्रियाज, तुमने इस जगह पर जो कुछ भी मेरे साथ किया है उन सारी चीजों का बदला इस जगह पर अब मैं तुमसे लेने वाला हूँ। जबकि सेक्टर पैट्रियाज तुरंत ही लिन के पास आ जाते हैं और उसको पकड़ते हुए उससे कहने लगते हैं, मुझे माफ कर दो इस जगह पर, पहले मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें करी है, मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करी है और इस जगह पर इन सब चीजों के लिए तुम मुझे जिंदा छोड़ सकते हो, प्लीज मुझे इस जगह पर जिंदा छोड़ दो। लिन कहने लगता है, तुम यहाँ पर किस टाइप की कल्टीवेशन की बात कर रहे हो? इस जगह पर जो तुमने कल्टीवेशन मुझे दी थी वो सारी तो तुमने अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय कर दी, तो मैं उस कल्टीवेशन के लिए आखिरकार तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तभी यहाँ पर सेक्टर पैट्रियाज कहते हैं, इस जगह पर मेरी जो गलती है मैं उस सारी की सारी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दो। तभी इस जगह पर लिन कहता है, ठीक है, इस जगह पर अपनी सारी की सारी गलती को इस जगह पर सभी के सामने कबूल करो। जबकि हम देखते हैं अब सेक्टर पैट्रियाज इस जगह पर अपनी सारी की सारी गलतियों को सभी लोगों को इस जगह पर बताने लगते हैं, आखिरकार लिन के साथ उन लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले तो उनकी बेटी ने इस जगह पर लिन को पॉइजन दिया था, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया गया। उसके पास 5 हेवन लेवल की बॉडीज थी जिनको भी उससे छीन लिया गया खाली अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और अपनी बेटी की शादी जी फैमिली के अंदर करवाने के लिए। जबकि प्रिंसेस भी ये सारी बातों को सुन रही होती है और अपने फादर की इस तरीके की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जितनी भी बड़ी फैमिलीज और बड़े सेक्टर्स से एल्डर्स इस जगह पर आए होते हैं वो सभी एल्डर्स इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन सेक्टर पैट्रियाज इस जगह पर और भी बातें बताते हैं, जबकि अब इस जगह पर जितने भी जो लिन होते हैं उसके दोस्त होते हैं वो भी सेक्टर पैट्रियाज के ऊपर गुस्सा होते हैं। एक सेक्टर का एल्डर इस जगह पर कहता है, तुम इस जगह पर इतनी ज्यादा घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा डिसिपल था, तुम्हें अपने डिसिपल के साथ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और वो सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं और कहते हैं, हमें लगा था इस जगह पर जो लिन है उसने इस जगह पर काफी ज्यादा गलत किया है तुम्हारे सेक्टर को छोड़कर, लेकिन अभी हमें पता चला इस जगह पर तुमने तो उसे एक चाल के तहत धोखा दिया है। तभी यहाँ पर जितने भी जो लिन के साथ ही डिसिपल होते हैं वो भी कहते हैं, इन्होंने तो हमारे सीनियर ब्रदर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हमें लगा था सेक्टर पैट्रियाज काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन उन्होंने तो लिन के साथ काफी ज्यादा बुरा किया। तभी इस जगह पर सेक्टर पैट्रियाज इस जगह पर अपने मन में कह रहे होते हैं, इस जगह पर इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी जिंदगी बची रहती है तो मैं इस जगह पर कुछ भी कर सकता हूँ। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो वो लड़की होती है वो अभी भी लिन की तरफ देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, इस जगह पर अगर मैंने उसे उसी टाइम पर मार दिया होता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही मेरा होने वाला मंगेतर इस जगह पर मर जाता और ना ही मेरे फादर की इस तरीके की हालत होती। तभी इस जगह पर हम देखते हैं सेक्टर पैट्रियाज लिन से कहने लगते हैं, मैंने इस जगह पर जो तुमने कहा था वो सारी चीजें कर दी, अब इस जगह पर तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन लिन इस जगह पर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस जगह पर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इस जगह पर आया हूँ? नहीं, मैं इस जगह पर तुम्हें मारने वाला हूँ, कुछ भी कर आज तुम्हारी मौत होगी। लेकिन इस जगह पर जो सेक्टर पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं, तुमने तो इस जगह पर कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन तुम इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हो? तुमने तो अपने वादे को भी इस जगह पर पूरा नहीं किया। लिन कहने लगता है, तुमने इस जगह पर जो मेरे साथ धोखा किया है उसके मुकाबले तो ये धोखा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही अपने पाम से उसकी बॉडी के ऊपर हमला करता है और उसे इसी जगह पर मार डालता है। और इसी के साथ ही अब वो प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है इस जगह पर, तुमने जो मेरे साथ किया था उसका बदला इस जगह पर मैं तुमसे जरूर लूंगा। इसी के साथ ही सेक्टर पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि अब पूरे तरीके से मर चुके होते हैं। प्रिंसेस भी इस जगह पर ये चीज देखकर हैरान होती है और अपने आप को ही कोश रही होती है। लेकिन इसी के साथ ही वो लिन को देखकर कहने लगती है, अभी तुम इस जगह पर मुझे मारने वाले हो मुझे पता है, और इस जगह पर मैं मरने वाली हूँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन तुम भी इस जगह पर जिंदा नहीं रह पाओगे ज्यादा टाइम तक, तुम्हारी मौत भी काफी ज्यादा जल्दी आने वाली है, तुमने 20 सेक्टर और इस जगह पर जी फैमिली के साथ पंगा लिया है, जल्द ही तुम इस जगह पर मारे जाओगे। और उसकी तरफ उंगली लगाते हुए कहती है, जल्द ही तुम्हारी मौत तुम्हारे काफी ज्यादा करीब आने वाली है। और इसी के साथ ही हंस रही होती है, जबकि इस जगह पर लिन भी कहने लगता है, ठीक है, इस जगह पर मेरी मौत चाहे कितनी ही करीब क्यों ना आ जाए लेकिन तुम तो इस जगह पर आज पक्का मरोगी। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एक पॉइजन को इंजेक्ट कर लेती है, वो जो पॉइजन होता है उसके वजह से अब उसकी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से होने लगते हैं। लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह इस जगह पर हंस रही होती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसने इतनी सारी
सारी चीजें एक ही बार में देख ली थी, जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था ऐसी चीजें होंगी। और इसी के साथ ही उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। लिन कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये लड़की इतनी ज्यादा आसानी से मेरे हाथों से मारी जाएगी। अब यहाँ पर मुझे बाकी और कामों को करना होगा। और इसी के साथ ही अब वो ट्रेजर हॉल की तरफ जाने लगता है च्यून सेक्टर के, क्योंकि च्यून सेक्टर के ट्रेजर हॉल में काफी सारे ट्रेजर्स हैं ताकि वो उन ट्रेजर्स को लूट सके। जबकि हम देखते हैं लिन ने इस जगह पर सभी चीजों को खत्म कर दिया था। लिन कहता है, मैं तो अभी अपने रिवेंज के थोड़े से ही कदम आगे बढ़ा हूँ, मुझे तो अपना रिवेंज पूरे तरीके से लेना है, अभी तक तो मेरा रिवेंज कंप्लीट भी नहीं हुआ। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर अपने रिवेंज को लेकर रहूंगा। जबकि इसी के साथ ही हमें दिखाई जाती है वो बर्ड, जो कि इस जगह पर लिन की तरफ देख रही होती है और कहने लगती है, इस लड़के को ऐसा लगता है कि ये कभी एक मार्शल गॉड बन पाएगा, लेकिन ये बस इसका सपना है। मैं भी इसके साथ रहकर देखना चाहती हूँ आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रांग बन पाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये लड़का आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा। तभी हमें बीस टेमिंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो बीस टेमिंग सेक्टर के पैट्रिया जो थे वो एक जगह पर बैठे हुए थे और किसी से बात कर रहे होते और कहने लगते, तुम्हारा बेटा सही में काफी ज्यादा औसम है और तुम भी इस जगह पर बैठ सकते हो एक सीट के ऊपर। जबकि हम तुरंत ही देखते हैं वो जो पैट्रियाज होते हैं वो जी फैमिली के पैट्रियाज हैं, वो इस जगह पर मना करने लगते हैं और कहते हैं, आपने इस जगह पर मेरी फैमिली के एक लड़के को अपने सेक्टर के अंडर लिया, यही काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा बेटा इस जगह पर डायरेक्टली हमारी सेक्टर का स्टूडेंट है और एक और स्टूडेंट है, जिस वजह से तुम्हें उस सीट के ऊपर बैठना चाहिए। पैट्रियाज भी उस सीट की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है इस जगह पर आप मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं उस जगह पर बैठता हूं। तभी एक बंदा इस जगह पर रिपोर्ट करने के लिए आता है और इसी के साथ ही पैट्रियाज अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो रिपोर्ट वाला बंदा भी आगे की तरफ बढ़ जाता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपको इस जगह पर इन सारी चीजों को रोकना होगा, मेरे पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और वो इसी के साथ ही एक रिपोर्ट को तुरंत ही सेक्टर पैट्रियाज के कान में बता देता है। सेक्टर पैट्रियाज जी सुनकर हैरान हो जाते हैं। सेक्टर पैट्रियाज अब इस जगह पर जी फैमिली के लीडर से कहने लगते हैं, तुम रुक जाओ इस जगह पर। जैसे ही वो सेक्टर पैट्रियाज की बात सुनते हैं वो भी इस जगह पर डर जाते हैं और सेक्टर पैट्रियाज बताते हैं कि लिन ने इस जगह पर तुम्हारे बेटे को मार दिया है और इसके साथ ही हमारे एक एल्डर को भी। ये सुनने के बाद तो इस जगह पर सेक्टर पैट्रियाज की हालत ही खराब हो जाती है। इसी के साथ ही बीस सेक्टर के लीडर कहते हैं, हम यहाँ पर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब हमें तुम्हें बताना होगा, तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और इसी के साथ ही उसने हमारे एक एल्डर को भी मारा है, हम इसका बदला जरूर लेंगे, अगर तुम अपने तरफ से कुछ कर सकते हो तो तुम भी अपने तरफ से कुछ जरूर करना। जबकि इस जगह पर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हमने इस जगह पर एक काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे को खो दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जबकि इसी के साथ ही इस जगह पर एक और लेडी टीचर बैठी हुई थी, वो इस जगह पर कहने लगती है, मैं इन सब चीजों का बदला लेना चाहती हूं, क्योंकि इस जगह पर वो मेरा स्टूडेंट था और उसका बदला मैं जरूर लूंगी। जबकि उसके फादर भी इस जगह पर हैरान होकर बैठ जाते हैं। जबकि इस जगह पर सेक्टर पैट्रियाज कहने लगते, हमने आज के दिन एक बहुत बड़े टैलेंट को खो दिया है और इसी के साथ ही जो च्यून सेक्टर है उसे भी पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है उस लड़के के थ्रू। ये सुनने के बाद तो जी फैमिली के लीडर और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर टोटली तीन कल्टीवेटर थे जो कि अपने डिवाइन लेवल पर पहुंच चुके थे और उनको भी इस लड़के ने मार दिया। तभी इस जगह पर वापस से हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर इजाजत मांगने लगती है इस जगह से जाने की, क्योंकि वो बदला लेना चाहती थी अपने स्टूडेंट का लिन को मारकर। सेक्टर पैट्रियाज भी कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम उसे मार सकती हो तो मार डालो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं। ये सुनने के बाद तो अब वो टीचर इस जगह पर खुश हो जाती है। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं सेक्टर पैट्रियाज को जो कि हंसने लगते हैं और कहते हैं, उस लड़के के दिन ज्यादा टाइम तक नहीं है और थोड़े ही टाइम में वो लड़का मारा जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेक्टर पैट्रियाज को तो गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगते हैं, जिस लड़की को मैंने टोटली एक महीने पहले पूरे तरीके से क्रिपल कर दिया था वो वापस कैसे आ सकता है। जबकि हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि च्यून सेक्टर के ट्रेजर हॉल के अंदर होता है और उस जगह पर वो अपने लिए कुछ सामानों को चूज कर रहा होता है जिसे वो इस जगह से लेकर जाएगा और इसी के साथ ही उसे काफी सारे बीस्ट कोर मिलते हैं जो कि लेवल 3 के बीस्ट के कोर थे और इसी के साथ ही वो उन सारे कोर्स को अपने पास रख लेता है और कहता है, मुझे इन सारे को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वो खुश होते हुए कहता है, इस जगह से तो मुझे काफी सारे ट्रेजर्स मिल गए जिनके बारे में मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। जबकि इस जगह पर जो वो बर्ड होती है वो कहने लगती है, ये कितना ज्यादा बेकार इंसान है, इस तरीके के ट्रेजर्स तो पहले जो मेरा मेंशन था उसके अंदर इसी तरीके से पड़े रहते थे क्योंकि इस बर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, इसीलिए ये बर्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी इस जगह पर लिन कहता है, चलो ठीक है, तुमने भी काफी ज्यादा हेल्प करी है मेरी, इसीलिए ये चीज मैं तुम्हें देता हूं। और इसी के साथ ही वो एक कोर को उसकी तरफ फेंक देता है जिसे देखकर वो भी इस जगह पर कहने लगती है, इस तरीके के कोर तो मेरे मेंशन के अंदर डॉग्स खाया करते थे, ये इस तरीके के कोर को मुझे कैसे दे सकता है, ये लड़का कितना ज्यादा बेकार हरकत कर रहा है। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, इसीलिए वो कुछ भी कर उसे खा लेती है। इसी के साथ ही लिन अब उसे तेजी से उठाता है और कहता है, अब
इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम अगर इस जगह से नहीं निकले काफी सारी बुरी चीजें हो सकती हैं जो कि बी सेक्टर वाले हमारे साथ करेंगे। जबकि इस जगह पर वो जो पंछी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जरूर सेंट लेवल पर पहुंच ही जाएगा। और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है, इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा ईविल निकलेगा, क्योंकि इसने पूरे के पूरे च्यून सेक्टर के ऊपर अब विस्फोटकों से ब्लास्ट कर दिया है, जिसके बाद पूरा का पूरा च्यून सेक्टर तबाह हो चुका है। इसी के साथ ही अब हमें हाफ मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो इस जगह पर लिन होता है वो काफी सारे लोगों को अपने साथ लेकर इस जगह से निकल चुका होता है। इनके साथ काफी सारे लोग होते हैं और ये सारे के सारे उसी गांव के लोग होते हैं, जिनमें से जो गांव का पहले वाला ओल्ड लीडर होता है वो कहता है, लीडर आपने जैसे चीजें कही थी वो मैंने सारी कर दी, आखिरकार हमें कितना टाइम लगने वाला है उस जगह पर पहुंचने में। तभी लिन बताते हैं आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, जब वो वापस से अपने सारे के सारे मामले को खत्म करने के बाद उसी गांव के अंदर आया, तब उसी टाइम पर जो ये लीडर था उसने इस बंदे को यानी कि लिन को इस जगह पर इस गाँव का लीडर बना दिया, जिसके बाद लिन के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई कि वो कुछ भी कर इस गाँव को प्रोटेक्ट करे, जिस वजह से लिन ने इस जगह पर सभी लोगों को अपने साथ ले जाना सही समझा, जिसके बाद लिन इस जगह से सभी लोगों को अपने साथ लेकर इस डेस्टिनी पर निकल गया, क्योंकि अब वो दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिस जगह पर जाकर वो एक पीसफुल लाइफ जी सके और अपने रिवेंज के लिए अपने पावर और कल्टीवेशन बेस को और भी ज्यादा अच्छा कर सके। और लिन लगातार काफी लंबे टाइम से चल रहा है, जिस वजह से लिन कहने लगता है, मैंने उन लोगों को काफी सारी मार्शल आर्ट की बुक्स भी दी थी ताकि वो लोग अपने आप को ट्रेन कर सके और पावरफुल बन सके, ताकि वो हमेशा के लिए मेरे ऊपर ही डिपेंड ना रहे। तभी ओल्ड मैन इस जगह पर कहने लगता है, सर आपने जो इस जगह पर हमें वो ट्रेनिंग बुक्स दी थी बॉडी रिफाइनमेंट की, हमने उसका यूज करते हुए अपने बच्चों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी है। तभी किम इस जगह पर कहता है, इससे उन लोगों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यू रिफाइनमेंट की स्टेज वन पर पहुंच जाएंगे, इस वजह से उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ेगी, मुझे लगता है आने वाले टाइम में उन लोगों को और भी ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन करनी चाहिए और भी प्रोग्रेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ ही बताया जाता है इनके पास टोटली 120 ऐसे लोग हैं जो कि इस जगह पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही किम आगे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है आगे हम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें आगे एक बहुत ऊंची क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर बीस्ट माउंटेन से काफी सारे लोग आए हुए थे वो इसी जगह पर रुके हुए थे, वो कहने लगते हैं, लिन ने हमारे एक साथी को मारा है, हम उसे मारे बिना इस जगह से कैसे जा सकते हैं, हमें कुछ भी कर उस लड़के को मारना होगा। तभी एक लड़का इस जगह पर कहता है कि तुम्हें इतना आसान लगता है उस लड़के को मारना, जबकि उनकी टीचर इस जगह पर कहती है वो लड़का इतना भी ज्यादा आसान टारगेट नहीं है, क्योंकि उसने हमारे एक एल्डर को मारा है तो जरूर वो स्ट्रांग होगा। जबकि इसी के साथ लिन के साथ एक ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है और वो इस जगह पर कहने लगते हैं, आगे हमें रुकना चाहिए क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो काफी दिनों से लगातार चल रहे हैं, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। लिन भी उनकी बात को मान जाते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है हम आगे जाकर रुकेंगे। जबकि इस जगह पर जितने भी वो लोग बी सेक्टर से आए हुए होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं, शायद से वो एक जगह पर रुकने वाले हैं तो हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। जबकि दूसरा बंदा भी इसके लिए एग्री हो जाता है और टीचर भी, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन इन लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि लिन को भी इन लोगों के बारे में पता चल चुका है पहले से ही, लिन ने इन लोगों को पहले से ही दूर से देख लिया है। लिन कहने लगता है, तुम लोग उस जगह पर मेरा वेट नहीं कर रहे बल्कि अपनी मौत का वेट कर रहे हो, मैं भी उस जगह पर आने वाला हूं। और इसी के साथ ही बताया जाता है कि लिन की कल्टीवेशन इतने टाइम में डिवाइन लेवल के लेवल 3 पर पहुंच चुकी है और लिन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन जो लिन के दुश्मन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनमें से डिवाइन लेवल के 6 लेवल की कल्टीवेटर है जो कि उन सभी की टीचर है। इसी के साथ ही हमें वापस से उस पंछी को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं ऊपर से, क्योंकि इस जगह पर वो सभी लोग घात लगाकर लिन के ऊपर हमला करना चाहते थे, इसीलिए कहने लगते हैं, चलो ठीक है अब हमारे पास एक मौका है उसके ऊपर हमला करने का, तो इसी टाइम पर हमें उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए, उसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। लिन सभी लोगों से कहने लगता है, तुम लोग उस जगह पर जाकर आराम करो, मैं इन लोगों को इस जगह पर संभालता हूं। और इसी के साथ ही लिन उन सभी लोगों को एक ही बार में नीचे की तरफ बुलाने लगता है ताकि वो लोग उसके ऊपर हमला कर सके। लिन कहता है, मैं भी इस जगह पर अपनी एक टेक्निक को यूज करने वाला हूं जो कि यान लेवल की एक टेक्निक है, मैंने उसका यूज इससे पहले कभी भी नहीं किया, मैं अब चेक करना चाहता हूं ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी के साथ ही वो अपने फीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करता है और इस फीस्ट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं जो कि डिवाइन लेवल की 6 लेवल की कल्टीवेटर थी वो भी इस फीस्ट के चपेट में आकर बेहोश हो जाती है। लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि लिन को ऐसा लगे कि वो भी बेहोश हो चुकी है लिन की इस अटैक की वजह से। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर वो लीडर होता है वो कहता है, सर आप तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, शायद से आप इस जगह पर हमारी प्रोटेक्शन कर सकते
लगते हैं। तबिलियन कहने लगता है, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर तुम लोग आराम करो और कुछ लोग इन लोगों को इस जगह पर बांध दो। तब तक मैं अपनी कल्टीवेशन करना चाहता हूँ और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। इसी के साथ लिन सोच रहा होता है, 20 सेक्टर ने इन छोटे लोगों को इस जगह पर हमला करने के लिए भेजा है ताकि वो मेरी पावर को टेस्ट कर सके। शायद से वो लोग इसके बाद और भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भेज सकते हैं। जबकि हम देखते हैं लिन ने जो कहा होता है उस काम को कर दिया गया होता है। इस जगह पर सभी लोगों को बांध कर रखा गया था जबकि वो लोग इस जगह पर चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। लिन भी दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है जबकि उसके जितने भी बाकी साथी होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं एक झील के पास। लिन इस जगह पर बैठकर कहता है, मुझे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा वरना मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा। जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा कर और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। और इसी के साथ ही वो कल्टीवेशन करने की पोजीशन में बैठ जाता है। लेकिन तभी लिन को पीछे की तरफ से आवाज आने लगती है। लेकिन लिन तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो भी बंदा होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर अपने नाइफ को लगा देता है। लिन कहने लगता है, मुझे इस जगह पर पता था इस जगह पर कोई ना कोई होगा जरूर जो कि मुझे मारने के लिए आया होगा। तभी वो लेडी इस जगह पर कहने लगती है, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी और तुम्हारे पास जो वो यान लेवल का बीस्ट है उसे बाहर निकालने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इस जगह पर एक ही बार में मार डालूंगी, इसीलिए कोई भी गलती मत करना। लिन भी इस जगह पर हैरान हो जाता है कि इस लेडी को उसके बीस्ट के बारे में भी पता है। वो लेडी कहने लगती है, मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ सकती हूँ, मुझे पता चला है तुम्हारे पास एक न्यू डिवाइन बॉडी आ चुकी है जो कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे वो डिवाइन बॉडी दे दो। तभी यहाँ पर लिन कहने लगता है, मुझे पता है इस जगह पर तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम पहले ही अटैक में मुझे मार चुकी होती। तभी इस जगह पर वो हंसने लगती है और कहती है, तुम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, अगर तुम वो मुझे डिवाइन बॉडी दे देते हो तो मैं इस जगह पर सेक्टर में जाकर ये रिपोर्ट करूंगी कि तुम मर चुके हो और इसके बाद मुझे लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन वापस से खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम वापस से किसी न किसी और ट्रेजर डिवाइन बॉडी को अवेक कर सकते हो, इसीलिए ये डिवाइन बॉडी तुम मुझे दे दो। लिन कहने लगता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं बार बार डिवाइन बॉडी को अवेक कर सकता हूँ? तभी वो कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे तक पहुंच चुकी है, शायद से तुम इसीलिए मुझे अपनी डिवाइन बॉडी बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, तो शायद से मुझे अब खुद ही इस चीज को छीनना होगा। और अपनी पावर का यूज करते हुए वो लिन की बॉडी से उस डिवाइन बॉडी को सेपरेट करने लगती है। और जब वो अपनी पावर का यूज करती है तो कहने लगती है, लिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मेरी कल्टीवेशन एल्डर से काफी ज्यादा है जिसे तुम पहले हरा चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन बेस इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं उस डिवाइन बॉडी को तुम्हारी बॉडी से अलग ना कर सकूं। लिन को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लिन कहता है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? लेकिन इसी टाइम पर जो लिन के ब्रेक थ्रू की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और लिन ब्रेक थ्रू की पोजीशन में आ जाते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी लिन की बॉडी से बाहर निकलने लगती है। वो लेडी भी हैरान हो जाती है और कहती है, इसने ऐसे टाइम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ये लड़का कुछ ही महीनों में लगभग 2 महीनों के अंदर ही ये डिवाइन लेवल के 4th लेवल पर पहुंच चुका है जबकि डिवाइन लेवल के 6th लेवल पर पहुंचने में मुझे लगभग 30 साल लग चुके हैं। जबकि हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक ऑसम आर्मर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, अब इस जगह पर तुम्हें सारा का सारा हिसाब मुझे देना होगा जो कि तुम इस जगह पर मेरे साथ कर रही थी। अब उस लेडी को भी समझ में आ जाता है कि लिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, इसका सामना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो उल्टे पैर इस जगह से भागने लगती है। जबकि हम देखते हैं लिन तुरंत ही जो उसके पास वो पक्षी होता है यानी कि वो बीस्ट होता है उसे इस जगह पर बाहर रिलीज करता है। वो पक्षी कहने लगता है, तुमने एक छोटे से काम के लिए मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी नींद खराब कर दी, तुमको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी आंखें भी रेड हो जाती है जबकि वो लेडी भी अपने सामने एक यान लेवल के बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है जो कि पहले कह रही थी मैं लिन को मारना चाहती हूँ, आसानी से मैं उसे मार दूंगी, लेकिन अब वो इस जगह पर खुद ही मारी जाती है उस बीस्ट के हाथों से। हम देखते हैं उस बीस्ट के इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा बड़े गड्ढे बन चुके होते हैं और वो लिन के पास वापस आ जाता है। लिन उसे वापस से अपने पास रख लेता है जबकि हम देखते हैं सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि लिन के पावर की वजह से हुआ था। तभी लिन नीचे की तरफ आ जाता है, सभी लोग लिन से पूछते हैं आखिरकार ऊपर क्या हुआ। लिन उनसे कहता है, चिंता मत करो ऊपर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है बल्कि कुछ लोग इस जगह पर मुझे मारने के लिए आए थे, वो सभी लोग इस जगह पर खत्म हो चुके हैं, अब तुम लोग थोड़ा आराम करो, उसके बाद हम लोग कियानजिंग सिटी की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। जबकि सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कियानजिंग सिटी को। कियानजिंग सिटी गेट से काफी सारे लोग भागकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं जो कि लिन के साथ आए हुए थे। तभी लिन इस जगह पर कहता है, तुमको इस जगह पर इन सभी लोगों से पूछो आखिरकार ये लोग इस जगह से क्यों भाग रहे हैं, क्या गड़बड़ हुई है इस जगह पर। तभी वो ओल्ड मैन इस जगह पर एक बंदे को रोक कर उसे पूछने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है जिस वजह से तुम लोग अपने सारे के सारे सामान को लेकर इस जगह से भाग रहे हो। हम देखते हैं वो बंदा सारी की सारी चीजें अब उस ओल्ड मैन को बताने लगता है। वो बताता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा तुम लोग भी इस जगह से दूर निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस जगह पर कुछ बैंडिट्स आए थे जिन बैंडिट्स ने इस जगह पर आकर काफी ज्यादा तबाही मचाई, उन्होंने इस जगह पर जो सिटी के लॉर्ड थे उनको भी मार दिया और उनको मारने के बाद इस जगह पर जो अब उन बैंडिट्स की क्वीन है वो इस जगह पर सिटी लॉर्ड बन चुकी है, इसीलिए हमें लगता है कि वो कभी भी हमको भी मार सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस जगह से भाग रहे हैं। लिन उनको रोकते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर बता सकते हो तुम्हारा जो सिटी लॉर्ड है उसका लेवल कितना था और यहाँ पर जो वो लेडी आई हुई है
है, उसका लेवल कितना होगा। तभी उस जगह पर वो बंदा कहता है, हाँ मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ, हमारे जो सिटी लॉर्ड थे वो डिवाइन लेवल के लेवल 2 पर थे, जबकि वो जो लेडी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस जगह पर डिवाइन लेवल के लेवल 4 में हो सकती है, क्योंकि उसने खाली 3 ही मूव में हमारे सेक्टर पेट्रियाज को मार दिया था। लिन कहने लगता है, अगर वो डिवाइन लेवल लेवल 4 पर है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ईजिली मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, इसीलिए हम लोगों को अंदर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अब से ये जो कियानगिंग सिटी है ये हमारा सिटी होने वाला है, मैं इस पूरे के पूरे सिटी के ऊपर कंट्रोल करने वाला हूँ। जबकि जितने भी लोग होते हैं कियानगिंग सिटी से भाग रहे होते हैं, जबकि जो लिन के साथ आए हुए लोग थे वो कियानगिंग सिटी के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। लिन कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं इस कियानगिंग सिटी को संभाल सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं अपने काम को पूरे तरीके से करूंगा जो भी मैं इस जगह पर कर सकता हूँ इन सभी लोगों के लिए। हमें उन बैंडिट्स का सीन दिखाया जाता है, उनके बैंडिट्स के लीडर के पास एक बंदा आकर सारी की सारी खबर देता है कि जितने भी गांव वाले लोग हैं वो इस जगह से भाग रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वो लेडी भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग इस जगह पर इस तरीके से कैसे भाग सकते हैं, मैंने तो उनके साथ कितना अच्छा किया, उनके पुराने सेक्टर पेट्रियाज को मार दिया, यानी कि उस लीडर को मार दिया, क्योंकि वो तो उनके साथ काफी ज्यादा जास्ती करता था, मुझे लगा था मैं उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर सकती हूँ, अब जबकि वो भाग चुके हैं तो हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि वो यहाँ पर उदासी हो रही होती है। तभी इस जगह पर एक और बंदा आता है, वो बंदा इस जगह पर आकर न्यूज़ देता है कि कुछ लोग वापस से यहाँ पर हमारी कियानगिंग सिटी की तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग इस जगह पर हमारी कियानगिंग सिटी के ऊपर रूल करना चाहते हैं, उनके साथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, इसीलिए आपको उस जगह पर जाकर एक बार उनसे मिलना चाहिए, इसीलिए वो लीडर भी तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पर ये सभी लोग खुश होते हैं कि उनके सिटी में अब कुछ नए लोग आ रहे रहने के लिए। तभी यहाँ पर वो लीडर पूछती है, तुम मुझे बताओ आखिरकार वो कहाँ पर है, मैं खुद उनसे मिलने के लिए जाऊँगी, और उनके साथ जो वो लड़का आया है हमें उसे अभी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो इस जगह पर कुछ गलत करेगा हम लोगों के साथ तो हम ज़रूर उन लोगों के साथ फाइट करेंगे। इस जगह पर जो लिन होता है वो एक शॉप में बैठकर कुछ खा और पी रहा होता है, तभी इस जगह पर एक बंदा आकर लिन से कहता है, तुम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए। लिन कहता है, चिंता मत करो इस जगह पर मैं सारे के सारे मामलों को इजीली संभाल लूंगा, तुम हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तभी वो भी बंदा इस जगह से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ ही हमें फायर हॉर्सेस की आवाज़ सुनाई देती है, जो फायर हॉर्स होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इस तरफ बढ़ रहा होता है। लिन कहने लगता है, तो शायद से वो बैंडिट्स अब इस जगह पर आ गए हैं, तो अब मुझे उन लोगों से सारी की सारी बात को कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं जो इस जगह पर लिन था वो उन लोगों को ऊपर छोड़कर नीचे की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो एक फायर हॉर्स के ऊपर बैठी हुई थी, जो कि बाकी हॉर्स से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। वो लिन के पास आकर कहने लगती है, तो तुम ही वो हो जो इस जगह पर काफी सारे गांव वालों को लेकर आए हो। तभी लिन कहने लगता है, हाँ वो मेरे साथ है और वो मुझे इस जगह पर इस सिटी का लॉर्ड मानते हैं। वो लेडी नीचे की तरफ उतर जाती है और कहने लगती है, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, और वो तुरंत ही लिन को अपनी चेस्ट से लगा लेती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, हमारी लीडर को इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, ये यहाँ पर इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है। लिन भी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करता है और कहने लगता है, मुझे तो लगा था कि इस जगह पर फाइट के लिए आई होगी, लेकिन ये किस तरीके की हरकत कर रही है। वो इस जगह पर लिन से कहती है, मुझे माफ करना इन सभी चीजों के लिए, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि तुम हमारे गाँव में काफी सारे और लोगों को लेकर आए हो, हमें अंदर चलकर कुछ बातें करनी चाहिए। और इसी के साथ ही लिन को लेकर वो एक वाइन शॉप के अंदर चली जाती है, जिस जगह पर वो लिन से बात करना स्टार्ट करती है, और इसी के साथ ही ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाएगा कि आखिरकार लिन अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, आखिरकार वो जी फैमिली वालों से अपना बदला कैसे लेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस सीरीज के चैप्टर्स के बारे में बता दूं कि इस सीरीज के चैप्टर काफी ज्यादा कम अवेलेबल है, इसीलिए जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये 2 या 3 दिन के बाद आएगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।